जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कच्ची सड़क पर लोकमानस का पक्का विश्वास दौड़ रहा था। अब हम जहां जा रहे थे वहां के बारे में लोगों का विश्वास है कि वहां पिशाच जैसी दुरात्मा का प्रकोप भी नष्ट हो जाता है। ये भी एक कुंड ही था जो नितांत एकांत में जाने किसने कब खोदा होगा। फिलहाल कुंड सुनसान पड़ा था, जहां मेला नहीं माल नहीं वहां पंडे पुजारी क्यों रहेंगे। लेकिन वहां के शांत वातावरण में कुछ जादुई आकर्षण जरूर था। हम भी लौट पड़े। पिशाच मोचन कुंड से अब हम एक ऐसे जल कुंड की ओर जा रहे थे जहां माँ जगदम्बा का वास माना गया है। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर और पिशाच मोचन कुंड से करीब 7 किलोमीटर दूर है दराबगंज। दराबगंज गांव के दक्षिण पूर्व दिशा में सीता कुंड है। संयोग से उस दिन शुक्ल पक्ष की नौमी थी और इसी दिन यहां मेला लगता है। एक जमाने में यहां इतना बड़ा मेला लगता था कि मुझे लगता है लगभग 4-5 लाख लोग यहां आते रहे होंगे। उधर एक शिवलिंग है बहुत प्राचीन, उसके बारे में कहा जाता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि कब और कितने वक्त से है। सीता कुंड के दक्षिणी किनारे खड़े इस वट वृक्ष के अलावा सीता कुंड का सत्य बताने वाला अब कोई नहीं बचा है। मगर खंडित नंदी के साथ पत्थर की अनेक आकृतियां अतीत का कोई रहस्यमय किस्सा बयां करने को आतुर है, लेकिन जानने सुनने का सिलसिला अब कहां बचेगा। अनेक स्थानों पर शिवलिंग तथा हनुमान जी की मूर्तियां अवध की गंगा जमुनी तहजीब ही नहीं, शैव वैष्णव संप्रदायों की अद्भुत साझा संस्कृत का प्रमाण भी है। सैकड़ों साल बाद सूखे कुंड के तल में मिट्टी की दरारें जैसे कुंड की झुर्रियां लग रहे थे, जिनको कुछ दिनों बाद पानी से ढक दिया जाएगा। सीता कुंड का सौंदर्यीकरण पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देगा तो ये स्थल भी सनातन धर्म की दुकान ही न रह जाए, इसका कोई कारगर उपाय कौन करेगा। आइए पंडित जी से बात करते हैं। सरकार ने इसको अंडर में अपने लिया है या नहीं? अभी अब हमको तो जानकारी नहीं है भैया। मैं आता हूँ, सुबह आता हूँ, पूजा करता हूँ 10 बजे तक, उसके बाद में मैं घर पर अपने भोजन करता हूँ, फिर शाम को आके पूजा करने 5 बजे आता हूँ। क्या नाम है पंडित जी का जो ट्रस्ट वाला जिनका ये अंदर में है? सुरेश पांडे। सुरेश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आने वाले समय में ये जगह बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक पक्ष में भी बढ़ जाएगी, इसलिए सरकार को कुछ न कुछ इधर ध्यान देना। धीरे धीरे ढलते दिन के साथ मेला बढ़ रहा है। बढ़ते बाजारवाद के आलम में चेहरों पर अजीब से तनाव है। खेल तमाशे की दुकानों के साथ चाट मिठाई आदि की दुकानें सजाई जा रही थी। दूर दराज के लोग मेले में पहुंचने लगे थे। मेले की प्राचीन परंपरा को निभाने पहुंचे एक नागरिक ठाकुर साहब से दाढ़ी बनवा रहे थे। अयोध्या में नाई को भी ठाकुर कहा जाता है। खुले आसमान के नीचे खुली हवा में दाढ़ी बनवाने का आनंद ही कुछ और है। ये श्रम के सम्मान की अद्भुत प्राचीन परंपरा है जो अब विलुप्त प्राय है। हमने देखा कि एक स्त्री दूर से ही मेले को निहार रही थी। जाहिर है वो स्त्री स्थानीय होगी, लेकिन कोई मजबूरी जरूर थी जिसकी वजह से वो मेले में होकर भी नहीं थी। मेले में लोगों के साथ कहानियां भी आती हैं उपन्यास होने के लिए, लेकिन पर्व परंपराओं की व्यथा कथा कहने सुनने वाले अब कम ही बचे हैं। घर परिवार में उलझे लोकमानस को पर्व त्योहार मनाने का मौका देने के लिए ऐसे मेले लगते रहे हैं।
जहां साल भर की जरूरत के सामान खरीदे जा सके। इस बहाने से मन के बहलाने के साधन भी हो जाते थे। आधुनिक बाजार में ये देसीपन नहीं मिलेगा जो यहाँ कदम कदम पर नुमाया था। यहाँ सूप को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है। ये वही सूप है जिसकी व्याख्या संत कबीर साहब ने एक दोहे में किया, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये पारंपरिक सूप आधुनिक बाजारों तक अभी नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह ग्रामीण जीवन की जरूरत के औजारों की ये दुकान पुश्तैनी लोहार की है। यहाँ जो मिलेंगे वो कहीं और नहीं। मिट्टी के बर्तन हो या मिट्टी के तंग को सजाने संवारने के सामान, इस मेले में सब कुछ है। ये बात और है कि 50 साल पहले के 25 पैसे की कीमत अब 500 रुपया है, लेकिन 500 रुपये में भी वो खुशी नसीब नहीं है जो पुराने वक्त में हासिल थी। ये जो जुए का जाल बिछा है और ये जो कर्तव्य के करिश्मे दिखाने का सामान जुटा है, सब मनोरंजन के लिए। ये अवसर साल में दो वक्त जरूर आते थे जब फसल कट कर घर आ जाती थी। लोग ऐसे मेले में आते थे और साल भर इन खुशियों की ऊर्जा से रोजमर्रा के दुख पीस कर पी जाते थे। अतीत की सीख वर्तमान का अभ्यास भविष्य के सपने को सच करते हैं। तीन काल के मेल में जीवन के संस्कार हैं। अब हम सीताकुंड से विदा लेने वाले थे और जाने को थे एक ऐसे खंडहर की तरफ जहां भूतों का डेरा है।